बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम का जन्म आज ही के दिन 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। सोनू निगम के पिता अगम कुमार दिल्ली के एक मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता के साथ 3 साल की उम्र से ही सोनू ने स्टेज शो करना शुरू कर दिया था। मोहम्मद रफी की यादें से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सोनू निगम को 1995 में आई गुलशन कुमार की फिल्म बेवफा सनम के गीतों ने पहचान दिलाई। सोनू के गाए गाने ये धोखे प्यार के धोखे और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का बेहद लोकप्रिय हुए। इसके बाद सोनू बॉलीवुड में स्थापित हो गए। 1997 में फिल्म परदेस का गाना ये दिल दीवाना काफी हिट रहा। इसके बाद सोनू ने फिल्म बॉर्डर के लिए संदेश से आते हैं गाना गाया और इस गाने के लिए पहली बार सोनू को फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कन चुराए, डर है मुझे प्यार तेरा मेरी जान ले। अपने करियर की शुरुआत 12 साल तक दिल्ली में पढ़ने के बाद सोनू ने आगे की पढ़ाई करेस्पोंडेंस से की। 15 फरवरी 2002 में सोनू ने मधुरिमा से शादी कर ली और सोनू का एक बेटा भी है। सोनू निगम ने पहली बार 18 साल की उम्र में फिल्म आजा मेरी जान के लिए गाना गाया। हिंदी के अलावा सोनू कन्नड़, उड़िया, तमिल, पंजाबी, बंगाली, मराठी और तेलुगु फिल्मों में भी गाना गा चुके हैं। 2002 में पहली बार फिल्म साथिया के लिए सोनू को पहला फिल्म फेयर मिला। कल हो ना हो के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला। सोनू निगम को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ का अवार्ड भी मिल चुका है। 1998 में उनका एल्बम दीवाना रिलीज हुआ। 1995 में सोनू के करियर में एक और टर्निंग प्वाइंट आया और उन्हें ZTV के शो सारेगामा पा की होस्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 4 सालों तक सोनू इसके एंकर रहे और 2007 में इसी शो के लिए वे लिटिल चैंप्स में बतौर जज बने। इसके साथ अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया में भी जज की भूमिका निभाई। सोनू निगम आज भी बॉलीवुड के सबसे डिमांडिंग स्टार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टी लाइव न्यूज।